हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे खांसी के सिरप के बारे में। साथ में मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ अभी बहुत ज़्यादा सभी लोगों को बहुत ही जल्दी जुकाम हो रहा है, और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो उस सिम्टम्स को ठीक करने में ये जो कफ सिरप है वो हेल्प करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो सबसे पहले आप ये कफ सिरप को देख लीजिए, इस सिरप का नाम है कोएक्स सिरप। इसमें सारी होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई है। जो इसमें फर्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई है जस्टिसिया मिली हुई है, जो नेक्स्ट इसमें होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई है यरबा मिली हुई है, इपिकॉक, पैसिफ्लोरा, और जो लास्ट होम्योपैथी इसमें मेडिसिन मिली हुई है एस्पिटो स्पर्मा मिली हुई है। ये जो मेडिसिन मिली हुई है मदर टिंचर फॉर्म में मिली हुई है, सारी इक्वल क्वांटिटी में मिली हुई हैं। और साथ में क्या है कि ये जो मेडिसिन है सारी आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स नज़र आ रहा है उसको कवर करने में हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के प्राइस के बारे में, कि इसका जो प्राइस है वो क्या है। तो इसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ है, तो ये आपको बहुत आसानी से फार्मेसी में मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिलती तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास, या तो फिर आपको आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अब मैं इस सिरप के कुछ आपको फ़ायदे बता देती हूँ कि क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इस सिरप को लेने में। तो जिनको अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी आप देखेंगे बरसात हो जाती है, कभी एकदम से धूप निकलती है, मौसम बहुत टेम्परेचर जो है अप डाउन हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है उनकी जो बॉडी का इम्यूनिटी पावर है बहुत वीक हो जा रहा है। और गर्मी के टाइम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, लोगों को बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो इस कंडीशन में पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही जल्दी बीमार पड़ रहे हैं पेशेंट, उनको जुकाम हो रहा है, तो आप इस कंडीशन में ये सिरप ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, वो नोट करिए। पहले जिनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, जो खांसी आ रही है सूखी खांसी आ रही है, तो इस कंडीशन में आप ये सिरप ले सकते हैं। साथ में आँखों में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आप ये सिरप ले सकते हैं। सर्दी हो गई है, सर्दी में आप चेस्ट पेन हो रहा है और जो चेस्ट पेन है कंटिन्यू बना है, तो आप इस कंडीशन में भी इस सिरप को ले सकते हैं। साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, जो कफ आ रहा है उसमें कफ में जो स्पूटम है बलगम है, तो उसके साथ ब्लड भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को ले सकते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा है, ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं, इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जिनको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिनका ऑक्सीजन जो लेवल है वो अप डाउन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं। साथ में और जिनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, सही से वो सो नहीं पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं। जिनको नाइट में बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सो जाते हैं, सोने के बाद उनको अचानक से उनकी नींद खुलती है और बहुत खांसते हैं, और खांसी के कारण भी नींद नहीं आती है उनको, कई लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो इस कंडीशन में भी आप ये सिरप को ले सकते हैं, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने बहुत सारे आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में आते हैं तो आप इस सिरप को ले सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो बॉडी की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये जो सिरप है आपको खांसी के लिए, जुकाम के लिए, चाहे आपको किसी प्रकार का कफ आ रहा हो, आप इस सिरप को लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और आपके जो लंग्स जो है उसमें इन्फेक्शन हो गया वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा, आप इसे कंटिन्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ दिनों में ही फ़र्क नज़र आएगा। तो जो फ़र्क नज़र आएगा तो आप देखेंगे कि आपको जो खांसी आ रही थी वो ठीक हो गई है, अगर खांसी के साथ आपको कफ आ रहा था उसमें ब्लड आ रहा था वो भी ठीक हो गया है, ये सारे सिम्टम्स आपके कवर होंगे। अगर आपको
इन्फेक्शन के कारण खांसी आ रही है बैक्टीरियल, तो वो भी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको लेना कैसे है। तो आप इसे दिन में 3 बार लीजिएगा। मॉर्निंग में आप इसे खाली पेट लीजिए 1 चम्मच, खाली पेट लीजिए। दोपहर में आप इसे खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 चम्मच लीजिए, और नाइट में आप इसे खाना खाने के पहले ले लीजिए 1 चम्मच। इसे आप कंटिन्यू दिन में 3 बार लीजिए 1-1 चम्मच। लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो खांसी की प्रॉब्लम है, चाहे आपको किसी प्रकार का कफ आ रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए और फिर मुझे रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। बाकी इसका जो रिजल्ट है बहुत बेस्ट है, और पेशेंट बहुत सारे इसे ले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अच्छा फ़र्क पड़ा है, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, जो मुझे खांसी आ रही थी वो ठीक हो गई है। तो आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।